हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आपके पास सोचते हैं कि मेरे पैसा पैसा नहीं है तो आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में एसआईपी कर दो। जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो, जैसे आपकी पेमेंट 4 तारीख को या 3 तारीख को आती है तो उसमें से एक स्टॉक खरीदो, अच्छे स्टॉक खरीद लो, एक ही स्टॉक खरीदो चाहे अच्छी क्वालिटी स्टॉक खरीद लो, उसमें हर महीने जब भी पेमेंट आए उसमें एसआईपी करना स्टार्ट कर दो लॉन्ग टाइम के लिए। तो दोस्तों उस स्टॉक वही स्टॉक आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देगा अगर लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी स्टॉक में जब लंबे टाइम के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। दोस्तों इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अगर ये कोई बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसे को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, हर महीना 1500-2000 तो आप बचा ही सकते हो कहीं ना कहीं से। दोस्तों ऐसे है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों इस जो कंपनी का बिजनेस है, ये केबल का और तारों का इस कंपनी का बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों यूएस कंडक्शन ये कंपनी बनाती है, जो कंपनी दोस्तों फंक स्विच और स्विच गियर और एलईडी लाइट और सोल इन्वर्टर और पंप सोल पंप ये कंपनी बिजनेस करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों जो दोस्तों इसका हम देखें आने वाले टाइम में, देखो कंपनी का कितना अच्छा है, सोल इन्वर्टर की आने वाले टाइम में सोल की मतलब ऊर्जा से चलने वाली ही मैक्सिमम सोलर चलेंगे प्लस इन्वर्टर चलेंगे और पंप भी ऐसे बना रखी है कंपनी ने, मतलब लॉन्ग को लेके चल रही है, आगे के बारे में लेके चल रही है कंपनी, लंबे टाइम के लिए लेके चल रही है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इसके पास 25 प्लांट है जो अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों इसके पास जो प्लांट है, 4 प्लांट ऐसे है जो FMCG का बिजनेस करती है, FMCG का निर्माण करती है। जो FMCG आ जाती है दोस्तों, जो अपने घर में स्विच हो गए, बोर्ड होगी, लाइट होगी, उसका ये काम करती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसके पास 3500 डीलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो इसके पास रिटेलर है 1,25,000 रिटेलर है कंपनी के पास। दोस्तों देखो कंपनी का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, भविष्य के लिए चल रही है कंपनी, और जो देखा जाए अच्छे रिटेलर भी हैं। और जो दोस्तों आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट लीव कंपनी के पास 2022 में कंपनी ने 2026 तक 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए हैं प्रोजेक्ट लीव में आने वाले टाइम में। दोस्तों ये भी प्रोजेक्ट अच्छा है कंपनी का। दोस्तों उसके बाद हम इसका मार्टी कैप्चर देखें, 45,000 करोड़ का मार्टी कैप्चर है, जो स्टॉक पे है 38.7, जिसका बुक वैल्यू है 390, जो दोस्तों आरओसी बहुत अच्छी है, आरओसी 22.5 और आरओई है 17.3 दोस्तों कंपनी की। जो हम इसका डिविडेंड दे रही है 0.46 का डिविडेंड दे रही है कंपनी, और जो फेस वैल्यू है 10 दोस्तों, और जिसकी सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की पिछले 5 साल में 17% और 3 साल में 15% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो हम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें दोस्तों, पिछले 5 साल में 31% और 3 साल में 21% से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ, देखो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक हो रहा है। और जो कंपनी की CGR देखिए, हम पिछले 3 साल में 38% से CGR बढ़ा है कंपनी का। जो हम देख लेते हैं रिजर्व बहुत ही जबरदस्त है कंपनी के पास, बहुत अच्छा रिजर्व कंपनी मेंटेन कर रखा है कंपनी, जो हम रिजर्व 56,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है दोस्तों। और जो बोरिंग है नहीं कंपनी के पास, 112 करोड़ का कोई बोरिंग, ज्यादा बोरिंग नहीं है कंपनी के पास। जो हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें सितंबर का और दिसंबर का, सितंबर में 3,332 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही दिसंबर में 3,715 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट 270 था सितंबर में, वही दिसंबर में 361 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। दोस्तों वही हम साल का देखें 2021-2022 का, 2021 में 8,792 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2022 में 12,204 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों हम 886 था 2021 में, वही 2022 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। जो दोस्तों हम इसका प्रमोटर के पास होल्डिंग है 66.6 की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो FL की होल्डिंग है 8.12, जो DL की होल्डिंग है दोस्तों 10.10, जो DL की होल्डिंग है इसमें, जो DL की होल्डिंग है 10.10 का, जो पब्लिक होल्डिंग है 15.16 का पब्लिक होल्डिंग कर रखी है दोस्तों। होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, प्रमोटर ने अच्छी होल्डिंग कर रखी है। और जो वही हम
इसका शेयर प्राइस देखें दोस्तों, 3000 इसका शेयर प्राइस चल रहा है। जो 5 साल का कंपनी ने रिटर्न दिया 367, जो 1 साल का रिटर्न दिया है 26%, 1 साल का रिटर्न दिया दोस्तों। देखो दोस्तों, यही शेयर 2020 में मात्र हमें 627 का मिल रहा था, जो आज हमें 3000 का मिल रहा है दोस्तों। अगर 2020 में मात्र आप 1,25,400 रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर देते या SIP के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते, तो आज आपके पास 1-1.5 साल के अंदर 2020, 2 साल के अंदर अंदर 21-22, दो साल के अंदर अंदर दोस्तों 6,02,000 रुपया हो जाता आपके पास मैक्सिमम 2-2.5 साल के अंदर अंदर दोस्तों। ये है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब ये पूरे हाई पे चल रहा है, एक बार अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों। एक मिड कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, केवल की कंपनी है, तो आप इसमें 3-4% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पहले अपना रिसर्च करना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।